कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंधों कांग्रेस नो वायदो मोटो मुद्दों बनी गयो छे। अमित शाहे बागलकोट में कहूं छे कि बजरंग बली ने मंदिर माथी चूंटणी मैदान में कांग्रेस लई आवी छे। कर्नाटक विधानसभा चूंटणी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे बजरंग दल पर प्रतिबंधना वायदा पर कांग्रेस ने घेरी छे। अमित शाहे कहूं छे कि बजरंग बली तो मंदिर में जाता परंतु कांग्रेस तेमने चूंटणी ना मैदान में लई आवी। मैं यहां आया हूं तब निकलता था तो पत्रकारों ने पूछा कि पूरा चुनाव बजरंग के नाम पर चला गया है। मैंने कहा कि बजरंग बली तो अपने मंदिर में ही थे, एक कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है, अब उनसे लड़ते नहीं बना है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की नीति जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद कर रखा और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुले हैं। कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति नो आरोप लगावीने अमित शाहे दावो कर्यो छे कि पीएफआई पर ना प्रतिबंध ने कांग्रेस पचावी सकी नथी। कांग्रेस ना कर्नाटक में 6% मुस्लिम अनामत वायदा ने पण तेमणे निशाने लीधो हतो। पीएफआई वाले मांग करते थे कि माइनॉरिटी के लिए 10,000 करोड़ का बजट होना चाहिए। कांग्रेस वालों ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर 10,000 करोड़ का बजट माइनॉरिटी के लिए दिया है। उनको उत्तर कर्नाटक के किसान की याद नहीं आती। कर्नाटक ने कांग्रेस एक एटीएम मशीन बनाने राख्य होवानु जणावीने अमित शाहे कह्यु के गोवा अने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हती त्यारे पण ते महादई नदी ना मुद्दा ने हल करवा माटे सक्षम न हती।